हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी। आज हम आपको एयरफोर्स स्कूल PRT TGT के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को। टीचर रिक्रूटमेंट रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले यहाँ रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर इंटरव्यू, उसके बाद टीचर का सिलेक्शन किया जाता है। रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का जनरली कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है ईमेल के द्वारा। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक मेल भेजा जाता है, जिस मेल में कोई भी एक टॉपिक दिया होता है। आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करके डेमो क्लास के लिए स्कूल में जाना होता है। आपको वेन्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा उस मेल में। आप उस वेन्यू पे गिवन एड्रेस पे उस तारीख को जा करके डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन की जाती है। चलिए तो देखते हैं अब रिटेन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पहले यहाँ दो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटेन एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेकेंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम PRT के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश टीचिंग साइकोलॉजी पूछी जाती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद एजुकेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, आपके जो भी सब्जेक्ट कंसर्न 10th NCERT जैसे KVS में पूछा जाता है वैसे ही पूछा जाता है। और उसके साथ रीजनिंग, कभी कभी रीजनिंग पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ जो एयरफोर्स स्कूल की जो सिलेबस होती है वो एयरफोर्स स्कूल एडमिट कार्ड जब आता है, आने वाला होता है, उस एडमिट के साथ कार्ड के साथ ही एग्ज़ाम से 2-3 दिनों पहले ही सिलेबस प्रोवाइड करवाती है। तो डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट सिलेबस होते हैं। ये टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी टोटल एग्ज़ाम 50 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये 25 मार्क्स का होता है। यूजुअली ये 50 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहाँ आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग इन स्कूल होता है, एजुकेशन सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो गया ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सिचुएशनल नॉलेज, जस्ट लाइक रिस्पॉन्स इन सिचुएशन ऑफ फायर, सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज़ एक्सेट्रा के बारे में पूछा जाता है। ये लगभग KVS जैसा ही इसका पैटर्न है, सिलेबस है, बट यहाँ ये रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। और ये भी टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 घंटे का टेस्ट लिया जाता है और उसमें 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करें TGT के सिलेबस की, तो ये सिलेबस लगभग सेम होती है। यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न को आप हटा दीजिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपका साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का साइंस स्ट्रीम से, आप सब्जेक्ट कंसर्न हटा दीजिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो साइंस का होगा, वो आपका 50 मार्क्स का में आपका 25 मार्क्स का इससे सवाल पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स होगा। और इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, एजुकेशन सब्जेक्ट और रिटन सब्जेक्ट, जो आपका कंसर्न, आप जिस भी स्ट्रीम से आते हैं उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन TGT के लिए, तो TGT के लिए अगर, बाय द वे आप सोशल साइंस के हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न में आपसे ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जो भी NCERT से रिलेटेड होते हैं, KVS टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा TGT के लिए। इंग्लिश टीचिंग साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बेसिक्स कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स होता है। आप 1-2 महीने का करंट अफेयर्स अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लास्ट 3 महीने का एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा करंट अफेयर्स, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये 80% 70% KVS के जैसा ही सिलेबस पैटर्न इसका तैयार किया जाता है। बस इसमें आपको रिटन टेस्ट के बाद अगर आप 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। TGT और PRT दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है, और आप रिटन टेस्ट के बाद, आपका रिटन टेस्ट के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है,
डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपका 70% क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए, तो अब आपको टीचिंग रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।